हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी हेल्दी फूड। आज हम बनाएंगे कैरेमल मसाला मिल्क। कैरेमल मसाला मिल्क बनाने के लिए हम पहले ड्राई फ्रूट को कैरेमलाइज्ड कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून चीनी ली है, वो एक पैन में ले लेंगे और लो फ्लेम पे चीनी मेल्ट होने तक हम उसको पकने देंगे। आफ्टर 2-3 मिनट आप देख सकते हैं चीनी में मॉइस्चर छूटना स्टार्ट हो गया है। अभी हम उसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे। शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, हम उसको कंटिन्यूस चलाते हुए 1 मिनट तक पका लेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है और उसका कलर हल्का सा चेंज भी हो गया है। अभी हम उसमें कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। ड्राई फ्रूट कैरमलाइज्ड हो गए हैं, अभी हम उसको एक प्लेट में निकाल के ठंडा करेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर ली है, उसको कैरमलाइज करके ले लेंगे। शुगर मेल्ट हो गई है, अभी हम उसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे और कैरेमल शुगर उसमें अच्छे से मिक्स होने तक उसको चलाते रहेंगे। कैरेमल सिरप बन गया है, अभी हम उसको बाउल में निकालेंगे। मसाला दूध बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध एक पैन में ले लिया है। 6-7 मिनट तक दूध को मीडियम फ्लेम पे अच्छे से बॉईल होने देंगे। मैंने यहाँ पे केसर लिया है, उसमें गरम दूध डाल के रख देंगे। दूध बॉईल हो रहा है तब तक हम ड्राई फ्रूट मिक्सर में से पीस के ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 6-7 बादाम और 6-7 काजू लिए हैं। आप आपके चॉइस से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। 6-7 मिनट हो गए हैं, हमारा दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी हम इसमें केसर डाल देंगे। अभी हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1 पिंच जायफल पाउडर डाल देंगे। मिक्सी में पीसे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट तक दूध को अच्छे से बॉईल होने देंगे। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा दूध गाढ़ा हो गया है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। कैरमलाइज्ड ड्राई फ्रूट मैंने यहाँ पे प्लेट में डाले थे, वो एक पॉलीथीन में ले लेंगे और उसका चूरा करके ले लेंगे। ग्लास में कैरमलाइज्ड ड्राई फ्रूट डाल देंगे, उसके ऊपर कैरमल सिरप डाल देंगे और उसमें मिल्क डाल के ड्राई फ्रूट डाल के सर्व कर देंगे। हमारा कैरेमल मसाला मिल्क रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।